आज हम लोग मोठ बनाने वाले हैं। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएंगी। सो हमें चाहिए 1 कप प्याज, हमने बारीक चॉप कर ली है, एंड हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल, आठ से दस कड़ी पत्ते, 6 से 8 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून, 3 मीडियम साइज़ की टोमेटो लिए हैं हमने, से बारीक चॉप कर लिया है, एंड हमें कुछ ड्राई स्पाइसेस चाहिए, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून। ये हमने मोठ लिए, इसे हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसे एक विसल आने तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई, कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। और अपने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड ज़ीरा, और इसे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए कुकर की विसल आ गई है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट पकाएंगे और इसे बंद कर देंगे। देखिए हमारी मोठ पक गई है। अब हम इसे अपने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे।
देखिए हमारी टेस्टी मोठ रेडी है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। हम इसके ऊपर थोड़ा सा सेव ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मोठ रेडी है। होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।